आइए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जिनकी मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, फिर राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है और ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी इस इंतजार में थी कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी, वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, लेकिन अब जो हुआ है उससे ये साफ है कि उन्हें वापस तिहाड़ जेल ही जाना होगा। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। किसी को ये गुमान ना रहे कि वही सब कुछ है, उसके पूर्व अंधेरा था, उसके बाद सन्नाटा होगा। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं और सीधा सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और परिणाम सबके सामने आएगा। परेशानियां हाथ धोकर पीछे पड़ती ये तो सुना था, लेकिन शराब घोटाले में लगता है कि मुसीबत नहा धोकर केजरीवाल के पीछे पड़ गई। ईडी की गिरफ्त से जमानत का मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। सीबीआई को 29 जून की शाम 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में दोबारा पेश करना होगा। केजरीवाल की पेशी के दौरान राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ हम आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना था तो ये पहले क्यों नहीं किया गया। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जमानत के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो गलत संदेश जाता। सीबीआई के वकील ने दावा किया कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। केजरीवाल के वकील ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। उनका कहना था कि केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी। इस पर केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि क्या गिरफ्तारी जरूरी थी, क्या रिमांड की जरूरत है, यह अदालत को देखना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी पर भेजने का फैसला सुना दिया। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी बड़े ही नाटकीय अंदाज में हुई। दरअसल 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत को खारिज कर दिया और केजरीवाल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहे थे कि उसी शाम यानी 25 जून को सीबीआई ने कोर्ट से इजाजत लेकर तिहाड़ में 2 घंटे पूछताछ की। सीबीआई की अर्जी पर राउस एवेन्यू कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ। फिर अगले दिन यानी 26 जून को प्रोडक्शन वारंट पर राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। कोर्ट की इजाजत से सीबीआई ने कोर्ट में केजरीवाल से पूछताछ की। पूछताछ के बाद केजरीवाल को कोर्ट में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने अदालत से केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया और इसके बाद राजनीति को नई रफ्तार मिल गई। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय। जो संजय सिंह ने कैमरे पर कहा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वही सोशल मीडिया पर लिखा। 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने एक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। बीजेपी पर हमले की जो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की, उसे इंडिया गठबंधन के साथियों ने आगे बढ़ाया।
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में ले लेती है, रात को ले लेती है, अब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है। सीबीआई अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी होती तो वो तौर तरीके समझती कि वो भी एक संवैधानिक पद पे हैं, वो जननायक है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके से उनकी बेइज्जती करना, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आड़ में अपनी पॉलिटिक्स करना, मैं मानती हूँ सरासर गलत है। और केंद्र सरकार अगर इससे भी बाज नहीं आई, देश की जनता ने अभी 240 पे रखा है, बहुत जल्दी 40 पे भी नहीं छोड़ेगी। वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में ना पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पर न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनके उनको फंसा दिया गया। किसी को ये गुमान ना रहे कि वही सब कुछ है, उसके पूर्व अंधेरा था, उसके बाद सन्नाटा होगा, इस बार का मैंडेट भी वही संदेश देता है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर देख रहा हूं, मैंडेट का झटका के बावजूद ये अथॉरिटेरियन तेवर खत्म नहीं हुए। ईडी, आईटी, सीबीआई को अपने दरवाजे पे बांध के बैठे हुए हैं ये लोग। सुबह सुबह रवाना करते हैं, आज फलानी जगह जाओ, आज चिलानी जगह जाओ, आज ढिमकानी जगह जाओ, तो जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक ही बयान से अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर दिया। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। बीजेपी ने बॉल विपक्ष के कोर्ट में डाल दी है, ये गेंद गिल्ली उड़ाती है या सिक्सर बनकर मैदान से बाहर आती है, देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।